सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी भर्ती अपडेट निकल कर आ रहा है कि 16,572 पदों को जो है वित्त विभाग ने दी भर्ती की अनुमति। तो 16,572 पदों पर जो है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती सीधी भर्ती जो है निकल कर आ रहा है। तो इस वक्त जो है छत्तीसगढ़ में भर्ती के संबंध में जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ 16,572 जो है नई भर्ती आप लोगों के लिए निकल कर आया है। और इसमें जो है कौन कौन से पोस्ट हैं, योग्यता क्या होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन से सब्जेक्ट से कितने अंकों के प्रश्न आएंगे, कट ऑफ कितना जाएगा, सैलरी आपको जो है कितना दिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है चयन प्रक्रिया जो है किस तरह से होता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को सभी जानकारी जो है मिलने वाला है। तो वीडियोस को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए। 16,572 पदों को जो है वित्त विभाग ने दी भर्ती की अनुमति और इसके लिए आवेदन करना कब शुरू होगा और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है और सबसे महत्वपूर्ण है आपका एग्ज़ाम जो है कब होगा। तो बस 16,072 पदों को वित्त विभाग ने मंजूरी जो है दे दिया है। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आपको आवेदन जो है कब करना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है इस वक्त जो है सीजी व्यापा में बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे न्यू वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है। चाहे वो आपके सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र का हो, आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी टीचर भर्ती परीक्षा जिसमें आपका सीजी टेट जो है सबसे पहले होता है, सीजी टेट के लिए फॉर्म फिलअप किया है, तो उसके एग्ज़ाम जो है 18 सितंबर को आपका है। अब आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो एग्ज़ाम दिला रहे हैं, लगभग 4 से 4.5 लाख स्टूडेंट सीजी टेट एग्ज़ाम दिलाएंगे और उसके बाद बाकी स्टूडेंट जो जिनका नंबर अच्छे से आएगा वो क्वालिफाई होंगे और वो टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम देंगे। अगर बाई द वे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पढ़ाई छोड़ देंगे या फिर सोचेंगे कि टीचर बनना मेरे बस का बात नहीं है। तो आपको बताना चाहता हूँ, आप जो है सहकारिता विभाग में जो समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र का पोस्ट निकला है आप इसके जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। जब आप समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, देखिए आप जो भी पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई आपका मेहनत जो है हमेशा रंग लाता है। आप टीचर सीजी टेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी करें या फिर टीचर भर्ती के, उसमें जो भी आप करेंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग ये सभी पढ़ेंगे या ये सभी आपके जो है इसमें भी जो है काम आएगा। तो इसलिए पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए, कभी भी मेहनत आपका धोखा नहीं देती, मेहनत हमेशा जो है रंग लाता है। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी हम जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो वित्त विभाग में जो 16,572 पोस्ट निकला इसके लिए 12th पास होना चाहिए, 12वीं पास वाले स्टूडेंट के लिए जो है सुनहरा अवसर है, मौका है। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 150 प्रश्न जो है एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, आयु सीमा जो है 18 से 40 वर्ष आपका जो है होना चाहिए। तो बस आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अच्छे से करना है और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है रेगुलर पढ़ाई करना। यदि आप रेगुलर बेस पर पढ़ाई करेंगे तो आपको उसी के अनुरूप जो है रिज़ल्ट अच्छे से देखने को मिलेगा। यदि आप गैप कर पढ़ाई करेंगे तो आपको उतना अच्छे से रिज़ल्ट जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि आप हर रोज़ पढ़ाई करेंगे तो उसकी बात ही अलग होती है और ऐसे में आपका पढ़ाई के प्रति रुचि इंटरेस्ट जो है बढ़ता जाएगा और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होता है। यदि आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं, कंसिस्टेंसी डेली मेंटेन करके हम जो है पढ़ाई करते हैं तो बात करें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से बुक लेना चाहिए। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका जो है पूरा व्याकरण आता है, व्याकरण में आपका स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी संज्ञा समास मुहावरे लोकोक्तियाँ अपठित गद्यांश ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको जो है दिल्ली एस एकेडमी का बुक लेना है जिसमें आपकी हिंदी की प्रिपरेशन जो अच्छे से हो पाए। इसके साथ इंग्लिश की बात करें, अंग्रेजी के जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर में आपका नाउन प्रोनाउन टेंस वाइस नरेशन कंजक्शन प्रीपोजिशन आर्टिकल डिग्री क्वेश्चन टैग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट फिनिट वर्ब नॉन फिनिट वर्ब प्रेसिस राइटिंग ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो आप जो है ग्रामर्स की तैयारी करने के लिए इसेंशियल इंग्लिश उसमें से दिशा पब्लिकेशन के आप जो है ले सकते हैं। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ मैथ्स और रीजनिंग के लिए, तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंगणित लेना है। गणित में आपका अनुपात समानुपात चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज ये सभी जो है आपके मैथ्स में पूछे जाते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है जिसमें आपका वर्बल नॉन वर्बल एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपका जो है कम्प्लीटली दिया रहता है, तो आप जो है ये ले सकते हैं। इसके साथ करंट अफेयर्स की बात करें
तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से तैयारी करना है, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से आपके जो है करंट अफेयर्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो इन सभी से आप जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है कर सकते हैं, जिससे आपके जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको सभी चीज़ों के बारे में जो है अच्छे से नॉलेज मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है 16,572 पदों को जो है वित्त विभाग ने जो है भर्ती की अनुमति दे दी है, और इसके लिए जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जल्द ही निकल कर आएगा। तो आप जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए, आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसी जो है हर बार जो है नई नई वैकेंसी जो आ रहा है, चाहे वो आपका एडीओ भर्ती हो, एडीओ का पोस्ट भी आएगा, एडीओ के आप लोगों के लिए 415 पोस्ट जो है आएगा, आमीन पटवारी के 288 पदों पर भर्ती होना है, हॉस्टल अधीक्षक के जो है 390 पदों पर जो है आप लोगों का भर्ती होना है। तो बहुत ही जॉब वैकेंसी, जैसे ट्रैफिक पुलिस का हो गया, ट्रैफिक पुलिस के 2000 पोस्ट हैं, और जेल प्रहरी के भी 2000 पदों पर जो है भर्ती होना है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नई नई वैकेंसी जो है आने वाला है, बस आप लोगों को एग्ज़ाम्स की तैयारी और अपना 100% देना है, जिससे आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। तो न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है, अब आप जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो पाए और आपको जो है गवर्नमेंट जॉब जो है मिल जाए। तो इन सभी बुक्स से जो है, जो भी बुक्स मैंने आपको बताया, उन सभी बुक्स से जो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो इन सभी से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली जो है अवश्य रूप से हो पाएगा, और छत्तीसगढ़ में आप जो है एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब आप जो है पा सकते हैं। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी को न्यू वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, कोई डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करना, और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना जो है सपोर्ट दिखाइए। इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी स्टूडेंट को न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, करंट अफेयर्स के वीडियोस, इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर्स के वीडियोस और काउंसलिंग से रिलेटेड आप लोगों को सभी जानकारी जो है मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का, इसी तरह से अपना सपोर्ट जो है बनाए रखें। सो थैंक यू आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।